फतेहपुर जिले के खरियाव थाना क्षेत्र चकिवा चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर ज्वेलरी से भरा लाखों का बैग और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि दुकान से यह घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में गोली मारी गई है और जो सामान था वह छीन लिया गया है। जब हम मौके पर पहुंचे और उठाकर डॉक्टर की दुकान पर लेकर गए, बाद में यह एम्बुलेंस से अस्पताल आए। मृतक की सोना चांदी व बर्तन की दुकान है। वहीं इस मामले में जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि खरियाव थाना क्षेत्र के मलावा गांव निवासी जीतपाल मौर्य अपने साइकिल से चकिवा बाजार से अपने घर आ रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 4 टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जी क्या मामला है, कैसे इनकी हत्या हुई है? दुकान से आ रहे थे सर, तो इनको रास्ते में गोली मारी गई। हाँ। जो सामान था इनका सब छीन लिया गया है। जब हम मौके दास पर पहुंचे तो इनको उठा के लेके गए, तो ये डॉक्टर के दुकान पे लेके गए। इसके बाद में एम्बुलेंस पे आए, बाकी हम घर पे चले आए। कहाँ की दुकान थी? सोना चांदी की थी या बर्तन की? कहाँ पर दुकान थी? चकीवा चौराहा पे। आप क्या हैं वहाँ? हम तो उनके भतीजे हैं। क्या किस गाँव पे? मलाव। प्रधान है क्या आप? नहीं नहीं, प्रधान नहीं है। प्रधान है। क्या नाम है आपका? सरवण। थाना खरियाव जनपद फतेहपुर के मलाव गांव निवासी जीतपाल मौर्य चकीवा बाजार से अपने घर को साइकिल से वापस रात के 7 बजे के आसपास आ रहे थे। अज्ञात बदमाशों ने उनको गोली मार करके हत्या कर दिया और बदमाशों की तलाश जारी है। 4 टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगाई गई है। जल्दी इसका